इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 के 2B के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 × 10^24 kg। ये जो अर्थ का मास है वह इतना दिया हुआ है आपका 5.97। एंड मास ऑफ द मून, और मून का मास जो है आपका दिया है 7.35 × 10^20 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, तो फिर इन दोनों का मास कितना हो जाएगा हमें यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया वैल्यू उसको हम राइट कर लें, मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 5.97 × 10^24 kg एंड एंड मास ऑफ द मून इक्वल टू 7.35 × 10^20 kg इतने का दिया हुआ है। हमें दोनों का मिलाकर बताना है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग टोटल मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ प्लस मास ऑफ द मून। नाउ तो यहां पे हम लिख देंगे मास 5.97 × 10^22 10^24 था उसको अलग अलग लिख लिया, प्लस 7.35 × 10^22 ऐसा इसलिए किया है हमें, जो 10^22 है यह हमें कॉमन मिल जाए, तो यह हमें कॉमन मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे 5 और इसको 10^2 है तो यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 100। अब इसका मल्टीप्लाई जो है इसमें करेंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा, तो जाएगा 5.97 × 1 कर देंगे, प्लस 7.35 × 1 कर देंगे और दोनों में से बाहर जो होगा आपका 10^22 जो होगा बाहर निकल जाएगा, इतना केस दिया जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद से ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 0 बढ़ा लेंगे तो इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 हो जाएगा, यानी 0.35 आ जाएगा। अब इसको 7 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 × 7 = 14 कैरी हो जाएगा 1 आपका, फिर 9 और 1 हो जाएगा 10 और 5 1 हो जाएगा आपका 6, 04 × 10^22 kg जो होगा दोनों का मास आपका हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अब डेसिमल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी आसान तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमें 6 के बाद से डेसिमल लाना है तो इसके लिए क्यों इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10,000 से इसमें डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 डिजिट है तो 40 चाहिए हमें, तो ऊपर हो जाएगा आपका 6/10,000। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × 10^-4, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
पहले काउंट कर लेंगे डेसिमल के पास कितना डिजिट है, 3 3 6 2 8, यानी 3 3 6 2 8, यानी 8 0 होने चाहिए। तो हम लोग 8 के बजाय यहाँ पे 7 0 लेंगे, क्योंकि हमें 8 के बाद डेसिमल आना है, ताकि 7 हम डेसिमल पॉइंट किसके, तो 4 3 7 हो गया, यानी इतना बटे आपका इतना लिख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8.3 इंटू, अब 10th पावर है आपका, 10th पावर का हो जाएगा 7 हो जाएगा ऊपर, तो जाएगा 10th पावर माइनस 7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा बिल्कुल इसी टाइप का है, तो काउंट कर लेंगे, 3 डिजिट 3 डिजिट, 1 7 एंड 8, 10 पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 पावर 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये 10 पावर 8 से जब डिवाइड होगा तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वैल्यू 5.34 इंटू 10 पावर माइनस 8 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइक्रोन 1/1 लाख दिया हुआ आपका, 1 लाख नहीं 10 लाख होगा, 10 लाख है आपका, मीटर में दिया हुआ है, एक्सप्रेस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइक्रोन इक्वल टू दिया, तो ये क्या इसको 10 पावर 6 लिख सकते हैं, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा इतना। इसको हम लिखेंगे 10 के घात के रूप में, तो जाएगा 10 के घात 6, यानी 1/1 होगा इतना, और जब इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या ले सकते हैं, 1 आपका 10 पावर माइनस 6 मीटर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको और थोड़ा सा ट्यूब से लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है 6 का, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की जो साइज है वह दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इक्वल टू 0.0004 मीटर में दिया हुआ है वैल्यू, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए तो पहले काउंट करेंगे 3 3 एंड 7 हो गया, 3 3 6 1 7, तो 7 डिजिट हो गया, तो 7 डिजिट हो गया, तो 7 डिजिट यानी 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 0.0004 इंटू 10 पावर 7 बाई 10 पावर 7। अब 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 7 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा आपका वैल्यू 4.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन है आपका, राइट इज द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में यानी साधारण रूप में लिखना है। साधारण रूप में लिखने के लिए भी इसके अपोजिट काम कर देंगे, तो देखिए बिल्कुल ईजी है, 2.06 इंटू 10 पावर 5 कहते हैं आपको वहां लिख देंगे, और इसको नीचे डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे, तो जाकर 10 पावर 5। अब यहाँ पे हो गया आपको 10 पावर 5, यानी 5 0 हो गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2.06 बाई 1 लाख, ठीक। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिए पॉइंट के पास 4 0 होना चाहिए था, 4 0 हो गया आपके, 0.40 और एक 2 है आपका, तो यहाँ पे 2.06 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक 10 पावर 7 है, तो इसको लिखेंगे 5/7 0 निकलेंगे यहाँ पे, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 डिजिट होने चाहिए, तो एक तो होगा आपका 5 और बाकी 6 0 यहाँ पे लिख लेंगे, 3 3 6 0 हो गया, 0.7 आपका आंसर हो जाएगा।
फिर आपका है थर्ड क्वेश्चन इसका, तो इसको भी ऐसे राइट कर लेंगे 6.82/60। ठीक, अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाए आपका वैल्यू कितना 0.000005 हुआ आपका। टोटल आपका कितना है 6 है, तो एक आपका 6 हो जाएगा, 8.2 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।